GSR Film presents. अरे दीपिका, शीला ने नाश्ता बनाया नहीं बनाया? अरे किचन में है, बना ही दिया होगा। जल्दी बोलो यार उसे, मुझे देर हो रही है ऑफिस को। ठीक है मैं बोलती हूँ। शीला, शीला। लगता है मैं सब आवाज दे रही है चाय के लिए। साहब को देर हो रही है, मैं चाय ले जाती हूँ। अरे ये बताओ रामू आया नहीं आया? रामू वो तो नहीं आया अभी, लेकिन ये रामू भी ना बहुत बिगड़ रहा है। इसके थोड़े कान खींचने पड़ेंगे, सुनता ही नहीं है कुछ भी। पता नहीं क्या हो गया उसे, हर रोज लेट आता है। चलो कोई नहीं, मैं समझा दूंगा उसे। ठीक है। ये लो, आ गई तुम्हारी मॉर्निंग टी। और शीला, लंच पैक कर दिया? हाँ जी मैम, मैंने लंच पैक कर दिया साहब का। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, इनका लंच तैयार हो गया है वो पैक करके ले आओ, और इनका ऑफिस वाला बैग भी ले आओ। नमस्ते मैम। नमस्ते साहब। अरे रामू तू मुझे एक बात बता, रोज रोज इतना लेट क्यों आता है? तुझे कितना भी समझाओ, तेरा हर रोज का यही काम है। मैम वो ना रास्ते में जाम लगा था। क्या रास्ते में जाम लग रहा था? तेरा तो हर रोज का यही ड्रामा है। अगर रास्ते में जाम लग रहा था तो घर से टाइम से निकलना था ना, थोड़ा जल्दी निकलते। ठीक है मैम साहब, मैं कल से जल्दी आ जाऊंगा और शिकायत का दोबारा मौका नहीं दूंगा। चल ठीक है, जाके अपना काम कर। ठीक है। तुमने ही सर पे चढ़ाया उसको। कोई बात नहीं, समझ जाएगी। अच्छा दीपिका, मैं ऑफिस को लेट हो रहा हूँ, अपना ध्यान। ठीक है, आराम से जाना। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त आया, एटलीस्ट 2 मिनट तो बैठ ही सकते हो। कोई नहीं दीपिका, तुम तो हो ना, इतने तुम चाय नाश्ता कराओ, मैं शाम को आके मिल लेता हूँ। ठीक है निशांत। ठीक। और सुना दीपिका, कैसी है तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ। आज कैसे सुबह सुबह आना हो गया? अरे दीपिका तुझे तो पता है ना, मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता, इसलिए तो उससे मिलने आ गया मैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन उसे ऑफिस तो निकल जाने देते, उसके बाद ही आ जाते। सुबह सुबह आ गए यार तुम। अरे वो सब तू टेंशन मत ले, वो सब तो तू मुझ पे छोड़ दे, आखिर मैं उसका दोस्त हूँ, उसे भी पता है मैं तुझको भाभी मानता हूँ, आखिर उसे थोड़ी ना पता है कि हमारे बीच में कुछ चल भी रहा है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मेरे पास तो आकर बैठो। और तेरे नौकर नौकरानी कहाँ हैं दोनों? घर में है, काम वाम कर रहे होंगे, एक साफ सफाई कर रहा है, एक किचन में लगी होगी। एक काम कर, जल्दी सफाई करवाना कमरे की और चलो फिर अंदर। ठीक है अभी बुलाती हूँ। शीला, शीला। हाँ जी मैं सब। ये बर्तन लेके जाओ और साहब के लिए कुछ चाय नाश्ता लेके आओ। अरे नहीं नहीं चाय नाश्ता रहने दो, वो तो मैं सब करके आया हूँ। चलो ठीक है, मैं रामू को बुलाती हूँ। ठीक है। मैम साहब का कमरा तो साफ हो गया, अब मैं दूसरे कमरे की सफाई कर देता हूँ। रामू! लगता है मैम साहब आवाज मार रही है। हाँ मैम साहब, आया। जी मैम। ओ निकम्मे आदमी, कमरा साफ हुआ या नहीं हुआ? मैडम जी आपके कमरे की तो सफाई होगी, अब मैं दूसरे कमरे की सफाई करने जा रहा था। ठीक से साफ सफाई तो कर दी ना? हाँ मैम आपके कमरे की ठीक से सफाई कर दी। अच्छा तो सुनो एक काम करो, तब तक तुम इस ड्राइंग रूम की सफाई करो, मैं अपने रूम में जाती हूँ। हाँ निशान चलो। और सुनाओ निशान। बस बढ़िया, तुम ही सुनाओ अपनी। मैं तो तुम्हें हर रोज ही सुनाती हूँ, हर रोज तो तुम पीछे से आते हो, आज तुम उनके सामने ही आ गए।
अरे मैंने कहा तो था तुमसे कि तुम्हारे बिना मन नहीं लगता मेरा बिल्कुल भी, इसलिए आ गया। अच्छा, इतना प्यार कब से हो गया तुम्हें मुझसे? जब से तुम्हें देखा है ना पहली बार, तब से हो गया इतना प्यार, क्योंकि तुम हो ही इतनी सुंदर। अच्छा जी, ये बात है। हाँ, और ये बताओ तुम सारा टाइम ऐसे ही नाच करोगी? नाच नहीं करूंगी, प्यार करूंगी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब लाएगी तू, चलिया चलिया। हो गया तेरा काम? हाँ हो गया। तेरा काम हो गया सारा? हाँ, मैंने खाना वाना सब बना दिया। अच्छा तू एक बात बता, जो मालिक के पास में लड़का आता वो है कौन? मुझे तो पता नहीं वो लड़का कौन है, लेकिन मैन साहब अपना देवर बताती है। अरे वैसे तो मुझे भी पता है कि देवर बताती है, लेकिन वो साहब जी का ही तो दोस्त है। और हाँ, साहब जी तो चले गए ऑफिस, और वो दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर कमरे में। अच्छा, दोनों कमरे में हैं? हाँ, दोनों कमरे में हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर। अच्छा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो जा फिर, मैम साहब से पूछ ले, खाना लाना है कि नहीं लाना, जा अंदर। ठीक है, पूछ लेती हूँ। निशांत, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ हाँ मेरी जान, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? बताओ। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे कभी? अरे कैसी बात कर रही है तू, मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। चलो ठीक है। चल ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी क्यों, तुम शाम को ही जाना ना, देखना पूरे दिन मेरा तुम्हारे बिना मन भी नहीं लगेगा। चलो ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, तुमने गेट नॉक भी नहीं किया? और अरे मैम साहब, मैं तो इसलिए आई थी कि खाना बन गया है, खाना खा लो। खाना बन गया था तो हम लोगों को बाहर बुला लेना था, ऐसे ही कमरे के अंदर घुसी चली आओगी? अकल नहीं है क्या बिल्कुल भी, मालिकों के कमरे में ऐसे ही अंदर आ जाती हो? लेकिन मालकिन, ये तो मालिक का दोस्त है, तो आप इनके साथ क्या कर रही हो? मैं कुछ भी करूं, ये मेरा घर है, तुम कौन होती हो पूछने वाली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मालकिन आप ठीक नहीं कर रही हो मालिक के साथ, उनके पीठ पीछे ये कर रही हो। अरे तू होती कौन है मुझसे जबान चलाने वाली? हाँ, तू इस घर की नौकरानी है, ज्यादा फालतू मत बोल। अरे हाँ यार, ये कैसे नौकर रख रखे हैं तूने घर में, जो इतनी जुबान चलाने तुझसे? इसको कल ही निकलवाऊंगी मैं यहाँ से। मालकिन आप क्या निकालोगी, हम खुद ही दोनों छोड़ के चले जाएंगे और साहब को सारी बात बताएंगे। निशांत, तूने पता चल गया तो क्या होगा, ये तो मुझे धमकी दे के चली गई। कहता तो सही रही है दीपिका, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर इन नौकरों ने राजेश को सब बता दिया हमारे बारे में, तो मैं तो तुझसे मिल भी नहीं पाऊंगा। नहीं निशांत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो बात तो ठीक है, लेकिन तू कुछ कर तो सही। अरे लेकिन ऐसा क्या करूँ जो ये लोग उसे ना बताएं, प्लीज तुम भी कुछ सजेशन दो ना। अरे यार मैं क्या बताऊँ अब। हाँ वैसे एक बात बोलूँ, ये है तो नौकर, छोटे घर के लोग हैं ये, क्यों ना एक काम करते हैं, इन्हें थोड़े पैसों का लालच दे देते हैं, क्या पता मान जाए। निशांत, बात तो तुम बिल्कुल 100% सही बोल रहे हो, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, जितना पैसा मांगेंगे इनके मुंह में दे देंगे। क्या है कि ना, मेरे पे कौन सा पैसे की कमी है, हमें इनका मुंह ही तो बंद रखना है। That's it. चलो तो फिर बाहर चलो। चलो बात करते हैं। अरे तुम सही कह रहे थे, मालकिन का और जो मालिक का दोस्त है ना, उनका कुछ चक्कर है। मैं तो तुझे पहले ही बता रहा था कि उन दोनों का चक्कर है, लेकिन तू मानने को तैयार नहीं थी। अरे छोड़ो, हम मालिक को सारी बात बता देते हैं, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। ठीक कह रही है तू, शाम को हम मालिक से सारी बात बता के ना चले जाएंगे हम यहाँ से। क्या बताएगा शाम को मालिक को? जी कुछ नहीं। आ गया समझ, बताएगा मालिक को? जी नहीं, नहीं। आप कितना भी मार लो, हम तो मालिक को बता के रहेंगे, सारी बातें बताएंगे मालिक को, आज शाम को आने दो मालिक को। अच्छा, अब इसके साथ तेरी भी जबान चलने लगी, तुझे भी मार खानी है क्या? मैम साहब, मैं आपसे कितनी बड़ी हूँ, आप क्या मुझ पे हाथ उठाएंगी? बड़ी है तो सर पे चढ़ेगी क्या? अरे दीपिका, तेरे नौकर तो बहुत जुबान लड़ा रहे हैं तुझसे। इन्हें मैं अभी बताती हूँ, तू सिर्फ ये बता तू चाहती क्या है? मालकिन हम कुछ नहीं चाहते, पर आप मालिक के साथ ठीक नहीं कर रही हो।
आज शाम को हम मालिक को सारी बात बता के रहेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब तुम बता के मानोगे, तुम ऐसे नहीं मानोगे। पैसे देखे तुमने कभी ये? इतने सारे शायद ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। पता है कितने पैसे हैं ये? 1,00,000 रुपए। लेकिन ये पैसे मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम अपना मुंह बंद रखोगे। अच्छा मालकिन, ये सारे पैसे हमें दे दोगे? हाँ हाँ, तुम्हें दे दूंगी। नहीं रामू, हम अपने मालिक के साथ धोखा नहीं कर सकते। अरे इसमें धोखा देने की क्या बात है, इतने सारे पैसे मिल रहे, दोनों आधे आधे कर लेंगे। बेवकूफ औरत, ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। और ये जो तेरा चमचा है ना, ये ठीक कह रहा है, आधे आधे पैसे रखो और तुम्हारी पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जिंदगी में भी तुमने इतने पैसे नहीं देखे होंगे। अरे क्या हुआ, कैसे खड़े हो तुम लोग? क्या हो गया? मैं आज इन दोनों नौकरों को इस घर से बाहर निकाल रही हूँ। पर क्यों, ऐसा क्या करा इन दोनों ने? क्या किया ये पूछो, क्या नहीं किया? ये जो तुमने अपने नौकर को सर पे चढ़ाया हुआ है ना, आज ये कैश घर से लेके भाग रहा था, और ये नौकरानी, इसको मैंने बोला निशांत के लिए खाना लगा दो, तो मुझ पे अकड़ के आ रही है, बोल रही है मैं क्यों खाना लगाऊं, जैसे इस घर की मालकिन हो। नहीं नहीं मालिक, मैम सब झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, मालकिन का सच हम बताते हैं कि क्या बात है। अरे तुम क्या बोल रहे हो, आखिर सच सच बताओ, बात क्या है? अरे बात क्या होती, जो मैं आपको बता रही हूँ वही सच है। तुम इन नौकरों पे भरोसा कर रहे हो, निकालो इन्हें घर से बाहर। दीपिका मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात तो पूछना चाहता हूँ, आखिर बात क्या है? मालिक मैं सच सच बताती हूँ क्या बात है। मालिक ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, मालकिन के साथ इनका चक्कर चल रहा है, मैंने इन्हें अपनी आँखों से देखा है दोनों को एक साथ गंदी हरकत करते हुए। ये क्या बात कर रही हो तुम? मालिक जो मैं कह रही हूँ ना, वो सच बोल रही हूँ। दीपिका मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे तुम इन नौकरों की बात पे भरोसा कर रहे हो, अपनी बीवी पे भरोसा नहीं कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया ना, ये पैसे चुरा के भाग रहे थे, और ये मुझ पे अकड़ के दिखा रही थी, ये इन दोनों की प्लानिंग है, प्लानिंग। क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे, अपने दोस्त पे भरोसा नहीं करते? इन नौकरों को घर से बाहर निकालो अभी। क्या तू अपने दोस्त पर भरोसा नहीं करेगा? अरे मैं क्या आज से आ रहा हूँ, आज से दोस्तों क्या मैं तेरा? हाँ निशांत तू सही कह रहा है, मुझे पता है इन्हीं की गलती होगी। और तू चोरी करता है यहाँ रह के? नहीं मालिक, मालकिन झूठ बोल रही है, हमारा विश्वास करो, मैंने चोरी नहीं की। हाँ साहब, इसने चोरी नहीं करी है, मालकिन झूठ बोल रही है। अच्छा अब भी दोनों झूठ बोल रहे हो, और मेरी बीवी पे गलत इल्जाम लगा रहे हो? चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे दोनों सिकल मत दिखाना। ठीक है मालिक, हम भी नहीं रहना चाहते इस घर में जहाँ पर सच्चाई का गला घोटा जाए और झूठ को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है मालिक, जा रहे हम इस घर को छोड़कर, लेकिन आप एक बात याद रखना, आप बहुत पछताओगे। आशीला देखा कितने एहसान फरामोश थे ये नौकर, तुमने इनकी मजबूरी से इनको कितनी अच्छी जॉब देने के लिए सोचा, और इन्होंने हमारे घर में ही चोरी करने के लिए सोचा, और तुमने देखा कितना अकड़ के दिखा रहे थे, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कोई नहीं दीपिका, अब तो वो चले गए ना। निशांत आओ चले जाओ। कोई ना राजेश भाई, अब मैं भी चलता। निशांत देखा राजेश मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अगर उन्हें पता चल जाता इस बारे में तो हमारा क्या होता। अरे उसे पता ना चलने का, आखिर राजेश मेरा दोस्त है, वो मुझ पर पूरा भरोसा करता। लेकिन फिर भी सोचो ना, अगर पता चल जाता तो हमारा तो भांडा ही फूट जाता। अरे मैं कह तो रहा हूँ, जब तक मैं हूँ ना, जब तक उसे कुछ भी पता ना चलने का। ये बात तो मैं तुम पर पूरा भरोसा करके बोल सकती हूँ, तुमने ना उन नौकरों को निकालने की बड़ी अच्छी तरकीब बताई। और बताओ। और क्या बताओ, चलो अंदर फिर। मैं भी यही सोच रही थी कब तुम बोलोगे अंदर जाने के लिए। चलो फिर। अरे निशांत तू कब आया? कुछ नहीं भाई, बस मैं अभी आया था, वो मैं तेरा इंतजार कर रहा था, तो बस अब घर ही जा रहा हूँ मैं। लेकिन तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं आज मैं ऑफिस नहीं गया, तो क्या मेरी ऑफिस की छुट्टी? अरे मैं ऑफिस जाऊँ या ना जाऊँ तुम्हें इससे क्या? और हाँ, तू घर जा रहा था या इसे कमरे में ले जा रहा था? राजेश ये क्या कह रहे हो तुम, ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें शर्म नहीं आई हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हुए? चुप रहे बिल्कुल, मैंने तुम दोनों की बात अपने कानों से सुनी है, तुम दोनों को शर्म नहीं आई?
मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रहे हो? इसका मतलब वे दोनों नौकर ठीक थे और तुम गलत थी। और निशांत, मैं तो तुझे भाई से भी बढ़कर मानता था और तूने मुझे ये सिला दिया। हाँ, मैं करती हूँ निशांत से प्यार, और अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, समझे तुम? ठीक है, अगर तुम इससे प्यार करती हो ना, अब इसी वक्त यहाँ से तपाओ जाओ। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। मैं तो शुरू से ही निशांत से प्यार करती थी, वो जो मेरी किस्मत थी ना, तुम्हारे साथ फूट गई। आज उसे ठीक करने जा रही हूँ मैं। ठीक है निशांत, हम चलते हैं इस घर से, मुझे नहीं रहना इस बदतमीज आदमी के साथ। ठीक है दीपिका, चलो। और हाँ, इस आदमी को हम दोनों खुश रह के दिखा देंगे अब। समझे तो? जाओ, गेट आउट, आई से गेट आउट। भगवान, कि दीपिका ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने उससे कितनी मोहब्बत करी, कितना चाहा उसे, और उसने मुझे ये सिला दिया। देख लेना, भगवान भी इसे माफ नहीं करेगा। एक दिन बहुत पछताएगी।